आयुष से जीवन शक्ति। आहार, आयुर्वेद में आहार का महत्व। आयुर्वेद में भोजन को महाभाष्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ औषधि। आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और लंबे समय तक बीमारियों को रोक सकते हैं। कैसे? यदि आप सही भोजन करते हैं तो, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, प्रकृति के मौसम और चक्रों के अनुसार सही तरह की जीवन शैली का पालन कर सकते हैं। यदि हमारा आहार संतुष्ट रूप से रहे या संतुलित रूप से रहे, यह एक संतुलित आहार का चित्र है, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, मसाले और अन्य सभी उत्पाद दिखाए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाले, सब फल, सब्जियां, प्रोटीन, दूध से बने उत्पाद और वसा आदि चीज़ें, ये सभी आहार के अंतर्गत आती हैं, जिससे हमारे शरीर को ताकत या अन्य पौष्टिक चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वह पूर्ण होती है। विहार, विहार का अर्थ होता है टहलना। आयुर्वेद आहार और विहार को हमेशा समान महत्व देता है। विहार अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और साथ ही बीमारियों को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। सुबह सुबह टहलने से मधुमेह, अधिक कोलेस्ट्रॉल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जोड़ों में दर्द आदि समस्या से छुटकारा मिलता है और हमारी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ को मजबूत बनाता है। यह एक चित्र दर्शाया गया है, जिससे दिखाया गया है कि एक मनुष्य है, वह कैसे सुबह को टहलने निकला है। यहाँ पर टहलने की प्रक्रिया को एक एनिमेशन की माध्यम से दिखाया गया है। निद्रा, हमारे स्वास्थ्य का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ नींद है। अगर आप तनाव या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भरपूर नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो इससे कई बीमारियों का होना निश्चित है। दरअसल अधिक नींद लेने से शरीर की सभी मांसपेशियाँ और अंग सभी को आराम मिलता है, जिससे अगली सुबह वो फिर से तरोताज़ा होकर अपने काम के लिए तैयार हो सकें। अगर आप लगातार ठीक से नींद नहीं ले सकते हैं, तो कुछ दिनों में आप पागल भी हो सकते हैं। यह एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार बताया गया है। कितने घंटे सोना चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 6 से 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। वहीं नवजात शिशुओं को 18 से 20 घंटे सोना चाहिए, जिनसे उनके शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर ढंग से हो सके। पर्याप्त नींद लेने के फायदे। रोजाना पर्याप्त नींद लेने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, पौष्टिकता, ज्ञान और आयु में वृद्धि होती है। इससे आपका ओझ और चेहरे की निखार भी बढ़ती है। यह बात हमेशा ध्यान में रखें कि सुबह जल्दी उठें और रात में जल्दी सोएं। यह चित्र में दर्शाया गया है कि एक छोटा सा बालक है, वह कैसे सोया हुआ है। बालकों में सोने की प्रक्रिया 18 से 22 घंटे होनी चाहिए, जिनसे कि उनका मानसिक और शारीरिक जो शक्तियां होती हैं, जो अंग होते हैं, वह जल्दी से विकास कर सकें। यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति सोया हुआ है और उसके मस्तिष्क को आराम मिल रहा है और वह अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। तो इन सभी आगे दर्शाए गए चित्रों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो अच्छा आहार, सुबह का टहलना और अच्छी निद्रा ज़रूरी है। धन्यवाद।